वहीं मेरठ के किठौर में कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी डॉक्टर अदीबा का सुपुर्द खाक किया गया। जब अदीबा का शव उसके पैतृक गांव पहुंचा तो वहां कोहराम मच गया। हजारों लोगों ने अदीबा को नम आंखों से मिट्टी डाली। कल 11 दिन से लापता यूपी के कैबिनेट मंत्री की बेटी अदीबा का शव बरामद किया गया। अदीबा का शव बैराज जलशायर से बरामद किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने अदीबा के शव को गंगा से निकाला। बता दें कि 10 मई को अदीबा अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश में कैंपिंग के लिए आई थी। कभी गंगा किनारे फोटो खिंचवाते वक्त अदीबा का पैर फिसल गया और वो गंगा में डूब गई। तभी से उसकी तलाश लगातार जारी थी।